हाय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की बुक विस्टास के लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी करेंगे और उनका हिंदी में अर्थ भी समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका सबसे फेवरेट एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड जिटकला सा फील, जिटकला सा को क्यों अनुभव हुआ हर फ्रीडम, उसकी आज़ादी टू हैव बीन लॉस्ट, खो गई है। आंसर देखिए, जिटकला सा वाज अ नेटिव इंडियन इन अमेरिका। जिटकला सा अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय मूल की लड़की थी। शी वाज इन अ न्यू कल्चर, वह एक नई संस्कृति में रह रही थी। पीपल अराउंड हर, उसके चारों ओर रहने वाले लोग वर बिहेविंग, बर्ताव कर रहे थे इन दियर ओन वे, अपने ढंग से, यानी कि जैसे वो थे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, वहाँ बहुत शोर था। शी वॉज कन्फ्यूज, वह भ्रमित थी। अमंग दिस ऑल, इन सब के बीच में, एंड फेल्ट, और अनुभव कर रही थी हर फ्रीडम, उसकी आज़ादी या स्वतंत्रता टू हैव बीन लॉस्ट, कहीं खो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाई डिड जिटकला सा फील अनकंफर्टेबल, जिटकला सा ने खुद को असहज क्यों महसूस किया इन द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में। आंसर देखिए, जिटकला सा वाज इन अ टोटली न्यू कल्चर इन अमेरिका। जिटकला सा एक बिल्कुल ही नए परिवेश में थी, नई संस्कृति में थी अमेरिका में। शी सॉ, उसने देखा इंडियन गर्ल्स, भारतीय लड़कियों को, वेयरिंग स्टिफ शूज, पहने हुए तंग जूते, एंड टाइट फिटेड क्लॉथ्स, और चिपके हुए कपड़े। समबडी स्ट्रिप्ड हर ब्लैंकेट, किसी ने उसका कंबल उतार दिया ऑफ हर शोल्डर्स, उसके कंधों से। शी फेल्ट, उसने महसूस किया द इंडियन गर्ल्स देयर, वहाँ रहने वाली भारतीय लड़कियाँ वर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, बहुत ही शालीन कपड़े नहीं पहने थी। ऑल दिस मेड हर, इन सब ने उसे किया फील अनकंफर्टेबल, असहज। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट टेरिबल वार्निंग, कौन सी भयंकर चेतावनी डिड जुडविन गिव जिटकला सा, जुडविन ने जिटकला सा को दी। हाउ डिड इट डिस्टर्ब हर, और इससे वो किस प्रकार असहज हुई या परेशान हुई। आंसर देखिए, जिडविन टोल्ड जिटकला सा, जिडविन ने जिटकला सा को बताया, दैट शी हैड हर्ड अ वुमन, कि उसने एक औरत को सुना है टॉक अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर, अपने लंबे व भारी बालों को काटने के विषय में। दिस डिस्टर्ब जिटकला सा, इस बात ने जिटकला सा को बहुत परेशान किया। एज इन हर ओन कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में, ओनली कावर्ड्स हैड शॉर्ट हेयर, जिसके अनुसार केवल कायर लोग ही छोटे बाल रखते हैं। द थॉट ऑफ हैविंग शॉर्ट हेयर ट्रबल्ड हर, छोटे बाल रखने के विचार ने ही उसे बड़ा परेशान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुडविन सेड, जुडविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, हमें झुकना होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रांग, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इट, इसके विषय में आपका क्या विचार है। आंसर देखेंगे, इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट कि द वीक हैव टू सबमिट, कमजोर को झुकना होता है, टू द स्ट्रांग, ताकतवर के सामने। बट वी शुड एटलीस्ट स्ट्रगल फर्स्ट, लेकिन हमें कम से कम कुछ संघर्ष करना चाहिए, टू डिफेंड आवर राइट्स, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। एज डिड लिटिल जिटकला सा, जैसा कि किया छोटी जिटकला ने, टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग कट, अपने बालों को बचाया कटने से। दिस गिव्स अस, ये हमको देता है एटलीस्ट अ ब्लीक पॉसिबिलिटी, कम से कम एक धुंधली सी संभावना ऑफ विनिंग, विजय की या जीत की। इन व्हाट वे, किस तरह से डिड जिटकला सा ट्राई, जिटकला सा ने प्रयास किया टू सेव हर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों को बचाने के लिए। आंसर देखिए, जिटकला सा वॉन्टेड टू सेव हर लॉन्ग हेयर,
जिटकलासा अपने लंबे बाल बचाना चाहती थी। शी स्लिप्ड अवे, वह भाग गई फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से, वेयर, जहाँ द अदर गर्ल्स वर गेटिंग देयर हेयर कट, दूसरी लड़कियों के बाल काटे जा रहे थे। शी हिड हर सेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में। ऑन बींग फाउंड आउट, पकड़े जाने पर शी किक्ड, वह लाते मारती रही एंड स्क्रैच और खरोंचे मारती रही। शी क्राइड अलाउड, वह जोर जोर से चिल्लाई एंड शूक हर हेड, और अपना सर हिलाती रही। इस तरह से वो हर कोशिश कर रही थी जो वो कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज जिटकलासाज लॉन्ग एंड हैवी हेयर फोर्सिबली श्रिंक्ड, किस प्रकार जिटकलासा के लंबे तथा भारी बाल जबरदस्ती छोटे छोटे काट दिए गए। आंसर देखिए, इन ऑर्डर टू सेव हर हेयर फ्रॉम बींग शिंगल, अपने लंबे बालों को काटने से बचाने के लिए जिटकलासा हिड हर सेल्फ इन ए डार्क रूम, जिटकलासा ने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। बट शी वॉज फाउंड आउट, लेकिन वो पकड़ी गई। शी रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग, वह लगातार पैर मार रही थी, खरोंच मार रही थी। देन शी वॉज टाइट फास्ट इन अ चेयर, फिर उसे एक कुर्सी पर कस के बांध दिया गया। एंड हर हेयर वॉज फोर्सिबली शिंगल्ड, और उसके बालों को जबरदस्ती काट दिया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।